एक बहुत खुशी की खबर है जी यूएनओ तो आई है, खास करके सिख भाईचारे के लिए। यूएनओ के विशेष सलाहकार ने जिहड़े सकत्तर जनरल तो दूसरा जिहड़ा उस तो थले दा अहुदा इन्हां दा ही हुंदा है एडमा डियांग, इन्हां ने खालसा साजना दिवस ते सिख कौम नूं शुभ इच्छावां भेजियां ने। ते पहली वारी है जदों यूएनओ ने खालसा सिरजना दिहाड़े दीआं मुबारकां ने जिहड़ियां सिख कौम नूं भेजियां। हुण इन्हां ने जिहड़ा मनुखी अधिकारां बारे काम करदे ने यूएनओ दे विच डॉक्टर इक्तदार चीमा, उन्हां दे थ्रू इह मैसेज है जिहड़ा उह लाया। चीमा ने दस्सिया कि कदे भी अज तक यूएनओ दे वल्लों किसी भी त्यौहार के मौके, चाहे क्रिसमस होवे, ईद होवे, जां कोई होर त्यौहार, कदे भी इस तरह शुभ इच्छावां नहीं भेजियां गईयां, ते पहली वारी सिखां नूं जिहड़ियां मिलियां ने। एडमा डियांग ने सुनेहा जिहड़ा भेजिया इच कहा कि सिखां लई विसाखी बहुत खास दिन है। इस दिन 1699 दे विच गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की सी। भारत ते दुनिया विच एक नवे वरे दा दिन भी है, क्योंकि नवा साल भी चढ़दा है विसाख नूं। इह उह दिन है जदों सिख गुरुद्वारां विच इकट्ठे होकर बंदगी करदे ने, मिलके नगर कीर्तन विच शमूलियत करदे ने। ते अज मौका भी है जदों असीं देखिए कि सिखां ने विश्व भर विच किवें अपना योगदान है जिहड़ा उह दित्ता। सो यूएनओ दे वांग कम करन दा दावा करदिआं उन्हां कहा कि सिख ने जिहड़े उह यूएनओ दे वांग ही कम करदे ने इंसाफ लई, बराबरी लई, ते होरनां लई निष्काम सेवा दे लई। सो साडे कम करने जिहड़े उह मिलदे जुलदे ने।